जय श्री राम। मैं संदीप मिश्र शास्त्री आप सभी का स्वागत करूंगा अपने चैनल भागवत गंगा पर। और आज की जो वीडियो है ये पांडे वंश के ऊपर होने वाली है। पांडे वंश मैंने आपसे बताया था श्रवण गोत्र इत्यादि में पांडे वंश प्राप्त होता है अधिक, तो उसका जब मैंने वर्णन किया था तो वहाँ आपको अगर आपको गोत्र से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आपको वहाँ मिल जाएगी, पर पांडे वंश के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए होगी यदि आपको तो ये यहाँ पर ही मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं पांडे वंश के बारे में विस्तृत जानकारी। तो पांडे वंश कुल मिलाकर के 13 गोत्रों में प्राप्त होता है, जिनमें से सावर्ण, कश्यप, वत्स, सांकृत और अगस्त्य, गर्ग, पराशर, वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज और कौंडिन्य, गार्ग, उद्वाह, इतने गोत्रों में पांडे वंश प्राप्त होता है। चलिए सबसे पहले सावर्ण गोत्र के पांडे जी लोगों को जान लेते हैं। सावर्ण गोत्र में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो इटार पाणे का आता है। इटार पाणे खूब भरपूर मात्रा में आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश या सरजू पारण ब्राह्मणों में सरजू पार ही आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। अब मैं इतनी गाथा इसलिए भी गा रहा हूँ क्योंकि इटार पाणे में ही हमारी खुद की शादी हुई है या विवाह हुआ है मेरा खुद का। तो इटार पाणे हैं वो सावर्ण गोत्र में है। पट्टी दिलीपुर है वो भी सावर्ण गोत्र है। इन दोनों की पंक्ति है, बाकी आगे आप देखेंगे तो किसी की पंक्ति नहीं मिलती है। एकौना, ककेड़ा, अष्टकपाल, कोनी, ये सब सावर्ण गोत्र के हैं। कोढ़हा, चमरूपट्टी, जामडी, पिछौरा, जोरवा, टुमेटकारी, नकहट, नरहरिया, बधवा, लहसड़ी, सरया, सखरुआ, रकहट, भट्टाचारी, भस्मा, म्यूरहा, टिकरा, सावण, साहूकोल, सिसई, मजगवा, इंदरपुर, बारघट, अमिलडी, करैदा, जोरवा, सावण, भरोसा के पठक पाणे, बंसीधर का पुरवा, बारह कोनी जो पाणे लोग हैं वो कश्यप गोत्र में आते हैं और इनकी पंक्ति है। और फिर आगे जितने लोग मिलेंगे कश्यप गोत्र वाले इनकी पंक्ति आपको नहीं मिलेगी। परसिया ये भी कश्यप गोत्र के हैं, इनकी पंक्ति नहीं है। आधुर्य ये भी कश्यप गोत्र, आशापुरी, खुटवा, बनगैया, बारह गांव, बामपुर, त्रिफला, जगदीशपुर, नाथपुर, फरेंदा, नेंदुला, गौरा, बिश्नैया, ये सब कश्यप गोत्र के हैं। और अब आते हैं नागचौरी पाणे लोग जो वत्स गोत्र में प्राप्त होते हैं और इनकी भी पंक्ति नहीं है। बनहा, सुनफिरवा, तुलापुर, तुरकौलिया, बांसपार, बिश्नेथा, बिष्टवल, मझरिया, मड़ेरिया, चिन्हरी, परसिया, बेलवा, बेलौजा, कटियाँ, नई, नौरदेवर, भिलौरा, हरदही, मैंछियाँ, मलाव और अगस्त्यपार जो है वो अगस्त्य गोत्र वालों का है। अगस्त्यपार पाणे जो आते हैं वो अगस्त्य गोत्र के हैं। और इधर फिर अगस्त्य गोत्र के भौवापार, महसो, बैदोली और अगस्तिया, ये अगस्त्य गोत्र के पाणे लोग हैं। गुड़े गांव के पाणे जो होते हैं वो गर्ग गोत्र के होते हैं और इटिया के पाणे जो होते हैं वो भी गर्ग गोत्र के होते हैं। तिलासत के जो पाणे हैं वो पराशर गोत्र के हैं। तुर्जापार पराशर है, धमौली पराशर है, बामपुर पराशर है, सिला, सोहनपार, धौरहरा, ये पराशर गोत्र के हैं। धर्महरिक पाणे जो हैं वो वशिष्ठ गोत्र के हैं। अम्बा वशिष्ठ गोत्र, कोहड़ा वशिष्ठ गोत्र, वशिष्ठ वो वशिष्ठ गोत्र के हैं। अच्छा, कुड़परिया जो है वो गौतम गोत्र है, भटगवा गौतम गोत्र है, पिपरा गौतम जो हैं वो भरद्वाज गोत्र हैं, मचैया, कौशड़, भरद्वाज, बड़हरा, लखनापार, सोनौरा, मसोड़, पुरैना, बलुआ, सिसवा, बाबू मठियारी, बड़हरिया, ये भरद्वाज गोत्र के हैं, भारद्वाज गोत्र के हैं, अपलामू ये कौंडिन्य गोत्र के हैं, बिलौजा, गंगापार, ये कौंडिन्य गोत्र के हैं। और ठकुआ के जो पाणे हैं वो गार्गी गोत्र में हैं। इटिया के पाणे जो हैं वो भी एक अलग इटिया के पाणे जो हैं वो गार्गी गोत्र में भी आते हैं और वहाँ भी आते हैं। और तुरोरया के जो पाणे आते हैं वो उद्वाह गोत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्वाह गोत्र के बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती नहीं हैं। जैसे ही प्राप्त होती है कहीं से रिसर्च जारी रहेगी, जैसे ही प्राप्त होगी तो आप सभी के सम्मुख जरूर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये रही कुछ पांडे वंश के बारे में जानकारियाँ।
आशा करूंगा वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जो और जानकारियां आपको चाहिए, किस प्रकार के वीडियो मुझे चाहिए, ऐसा कमेंट करके आप बताइए। और जो कुछ भी इधर कमियां रही हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार के जानकारी देने वाली किसी वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय सियाराम।